आइए आइए 15 रुपया में 3 किलो बैंगन। देर के बाद दोस्तों हम लोग का साग 1 किलो देखिए बिक गया है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सब्जी वाला आप सभी का स्वागत करता है एक और नई वीडियो में। दोस्तों सुबह हो चुका है और सुबह का 6 बज रहा है, आप सभी को दिल से गुड मॉर्निंग। और दोस्तों हर दिन की तरह दोस्तों आज भी जा रहे हैं गोला सब्जी मंडी। दोस्तों चलिए दोस्तों बाजार, दोस्तों बाहर निकल चुके हैं, दोस्तों बाजार पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं बाजार का कुछ हाल इस प्रकार से है। अभी टमाटर आ चुका है दोस्तों, आज हम दुकान नहीं खोलेंगे भैया नहीं। और देखिए दोस्तों बाहर से टमाटर आना शुरू हो गया है पूरा, लेकिन आज तो हम लोग दुकान नहीं खोलने वाले दोस्तों। कल का जो बचा हुआ सब्जी दोस्तों उसी को बेचना है। देख सकते हैं कितना मस्त क्वालिटी का टमाटर आया है। आज हम दुकान नहीं खोल रहे हैं, शादी घर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों कल का जो हम लोग का सब्जी बचा हुआ है उसी को बेचना है हम लोग को। आज तो हम लोग को टमाटर ये सब नहीं खरीदना है। चलिए फटाफट अपना जो बचा हुआ सब्जी उसको लगाते हैं और बेचना शुरू करते हैं दोस्तों। सस्ता में बेच के निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इधर है साग बचा हुआ है दोस्तों, पुनका गंधारी साग, पुनका गंधारी साग बेचना है दोस्तों। और बैंगन है दोस्तों उसको भी बेचना है, सस्ता में बेच के निकलना पड़ेगा अभी। चलिए दोस्तों अपना दुकान लगाते हैं और बेचना शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों अपना दुकान हम लगा चुके हैं, देख सकते हैं काना बैंगन है दोस्तों, उसी को बेचना है 5 रुपये या 10 किलो बेच देंगे। और लौकी भी छाट लौकी देखिए क्वालिटी कितना खराब हो गया, उसको भी बेचना है दोस्तों। और कल का साग बचा है दोस्तों उसको भी बेचना है, क्योंकि दोस्तों आज हम मुंडन में जाने वाले हैं माँ, तो घर में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेंगे दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों बेच के ख़त्म कर दे रहे हैं। तो चलिए अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, लगभग वही 6:30 से 7 बजे होगा और अभी 8 बजे से ग्राहक आते हैं बाजार में। चलिए फिलहाल अभी दुकान लगा के बैठे हुए हैं और देखते हैं बिकता है कि नहीं। 12 रुपये किलो साग खरीदे हैं दोस्तों, पुनका गंधारी साग कल खरीदे थे, तो इसी को आज बेचना है, 10 रुपये किलो भी बेच देंगे। चलिए बेचना शुरू करते हैं दोस्तों। आइए आइए साग लीजिएगा 10 रुपये किलो, पुनका गंधारी साग लीजिए 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो काना बैंगन लीजिए 1 किलो 5, 1 किलो 5 काना बैगन लीजिए 1 किलो 5, 1 किलो 5, 1 किलो 5। तो दोस्तों बहुत देर के बाद हम लोग का करेला बिक गया है और चचा लिए हैं 20 रुपये हम दे दिए करेला, ठीक है ना करेला। तो करेला बिक गया है, देखते हैं दोस्तों साग बिकता है कि नहीं। साग लिए तो 12 रुपये किलो बेचना हुआ कम बेसी में, 50 रुपये का बोनी हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों करेला बिक गया है, अब साग बेच रहे हैं। साग लीजिएगा 10 रुपये किलो चाचा, हेलो साग लीजिएगा 10 रुपये किलो देंगे, ले लेंगे पुनका गंधारी साग है। आइए 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 साग लीजिए 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो चाचा साग लीजिएगा तो 10 रुपये किलो देंगे, नहीं बोकारो में बेचिएगा। तो दोस्तों हम लोग करेला खत्म हो गया, बैगन और साग बचा हुआ है, अब देखते कब होनी होता है हम लोग का साग। दोस्तों मेरे पास टमाटर नहीं है तो ग्राहक इसलिए नहीं आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि टमाटर सब्जी दुकान का मेन सब्जी होता है, उसी को देखकर कस्टमर आते हैं और बाकी सब्जी भी खरीदते हैं, तो लगभग इसलिए ग्राहक नहीं आ रहे हैं। देखिए इधर टमाटर इन लोग का है, तो इन लोग का बिक रहा है मस्त, आप देख सकते हैं इधर भी टमाटर है तो बिक रहा है इन लोग का भी मस्त, चाची लोग का। मेरा दुकान में देखिए दोस्तों टमाटर नहीं है, खाली साग और काना बैगन है, तो ग्राहक नहीं आ रहे इसीलिए। चलिए देखते हैं फिर भी बिकता है तो ठीक है, फिर और सस्ता लगा देंगे, नहीं तो लास्ट में 5 रुपये किलो लगा के बेच देंगे। देखते उधर बिक रहा है पूरा, चलिए बैठे हैं देखते हैं कितना बजे तक बिकता है। बहुत देर के बाद दोस्तों हम लोग का साग 1 किलो देखिए बिक गया है और भैया लिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका लेने के लिए। 12 रुपये किलो खरीदे हैं दोस्तों, 10 रुपये बेच के निकाल रहे हैं, क्योंकि जाना है हम लोग का शादी घर इसलिए। आइए आइए साग लीजिए 1 किलो 10, 1 किलो 10, 1 किलो 10। तो बहुत देर के बाद दोस्तों 1 किलो बेच पाए हैं, वो भी घाटा लगा के बेचना पड़ा है, 2 रुपया घाटा लगा के बेचे हैं दोस्तों, 12 का था 10 रुपये किलो दिए हैं। साग लीजिएगा चाचा, हेलो 10 रुपये किलो साग देंगे अगर। आइए आइए भाजी साग लीजिए 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो कोई रात इसमें नहीं दुखेगा, एक नंबर साग है। तो कोई कोई कस्टमर बोलते हैं कि साग खाने से पैर हाथ दुखेगा, रखा तो बोल देते हैं नहीं दुखेगा। दोस्तों हम लोग का साग खत्म हो गया जा सकते हैं, और 12 रुपया खरीदे थे 10 रुपये बेच के खत्म कर दिए, और बैगन भी 5 रुपये किलो बेच रहे हैं दोस्तों। तो लगभग देखते हैं दोस्तों कितना रुपया है, यानी कि 50, 30, 80 रुपया दोस्तों बेचे हैं,
साग खत्म हो गया दोस्तों, अब देखते हैं बैंगन बिकता है ठीक है, तो इसको घर ले जाएंगे और टोकरी को साइड करके रख देते हैं। घाटा लगा के बेचे हैं, 2 रुपया घाटा लगा के बेचे साग भाजी साग दोस्तों, और बैंगन भी 7 रुपये खरीदे थे, इसको भी 5 रुपये किलो बेच रहे हैं। 20 रुपये आप सब बैंगन भैया लीजिएगा, बैंगन ले जाइएगा तो अरे आइए आइए ले ले डाल एक बार तो सोचे लग रहे हैं वहाँ 20% का आइटम कमाई के लिए खाना जाए के लिए ब्याह कर रजरप्पा तो आइए आइए 15 रुपया में 3 किलो बैंगन दोस्तों, 3-4 किलो बैंगन था वो 15 रुपया में बेच दिए। चलिए अब घर चलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं 3 ठो बचा है बैंगन, बाकी सब जो है 3-4 किलो बैंगन था लेकिन 15 रुपया में दे दिए। कल का था यार खाना बैंगन था, इसीलिए दोस्तों घाटा लगा के दे दिए हैं, क्या जाना है हम लोग को घर इसीलिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट घर चलते हैं, अब दुकान बढ़ा लेते हैं अपना और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगता है हम लोग का दुकान बाजार में। देखिए इधर भी एकदम लगा है दुकान नहीं। चलिए फटाफट अपना सामान रखते हैं, बांध रखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों दुकान अपना बढ़ा लेते हैं, दुकान बढ़ा चुके हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। अब चलिए घर की ओर, अपना झोला टांग लिए हैं, इसमें सामान है थोड़ा कुछ कुछ सामान है दोस्तों, इसमें ट्राइपोडी सब। चलिए चलते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से दुकान लगता है। और आज बैटरी थोड़ा ख़त्म हो गया दोस्तों, तो थोड़ा सा ब्लॉक को शॉर्ट रखें। चलिए दोस्तों आप लोग घर से मिलता हूँ, क्या भैया देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, मनिहारी दुकान भी इधर है। इस तरह से लगता है दोस्तों गोला सब्जी मंडी में, इधर भी देखिए मनिहारी दुकान है। तो मेन रोड निकल चुका हूँ दोस्तों, चलिए अब घर में मिलता हूँ आप लोगों से। ये देखिए हो रहा है पूरा, देखिए टेम्पो लगा हुआ है पूरा। चलिए दोस्तों फटाफट आप लोगों से आपको खाना मिलता हूँ। तो दोस्तों घर पहुँच चुके हैं और देखिए इधर गेहूँ सिखाया जा रहा है, देहाती गेहूँ एकदम, घर का आटा खाने को मिलता है गांव देहात में। तो चलिए 10 बज चुका है, खाना वाना भी खाना है। और मेरा घर देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टांगा गया है, अभी नज़र उजर न लगे, गाँव देहात में ऐसा रहता है सबका घर में। चलिए दोस्तों अब खाना वाना भी खाना, पैरा धो के खाना वाना खा लेते हैं, गर्मी बहुत दे रहा है दोस्तों, कुछ देर के बाद नहाएंगे वही 12-1 बजे, तभी पैरा धो लेते हैं दोस्तों, खाना वाना खाएंगे। पैरा धो के आ चुके हैं दोस्तों, और खाना खाने से पहले थोड़ा तरबूज था, थोड़ा तरबूज खा लेते हैं, क्या प्यास बहुत जोर से लगा था, तो मीठा मीठा खाने में मज़ा आएगा, मस्त मीठा है दोस्तों। दोस्तों तरबूज खा चुके हैं, पूरा पेट भर गया है और देखिए पूरा कचरा हो गया, पापा भी खाए हैं इसीलिए। और देखिए माँ क्या खा रहे हैं, आम जो हम लोग का नहीं बिका हुआ ना, माँ छिलका काला काला हो गया ना, इसे सोचता है सड़ल सब कोई का, इसलिए नहीं लेते हैं। अच्छा। और अंदर में अच्छा निकलता है लेकिन बाहर का जो चमड़ी है छिलका उला काला काला हो गया सड़ा जैसा का, तो इसलिए दोस्तों कोई नहीं लेता, सोचता है सड़ गया लेकिन अंदर में देखिए अच्छा निकल रहा है। तो देखिये अब माँ आम खा रहे हैं, खाइए माँ कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा ना। मीठा आम खाने में मजा आएगा नहीं। तो अब दोस्तों पेट तो पूरा भर गया है दोस्तों, अब डायरेक्ट लंच करेंगे दोस्तों। दोस्तों दोपहर का 1 बज चुका है अब, और दोस्तों खाना खाना शुरू कर दिए, तरबूज खाए थे दोस्तों तो पेट भर गया था लेकिन अब भूख लग गया है दोस्तों, लंच का टाइम हो गया है। तो दोस्तों आज बना है आलू और भिंडी बना है, और पटल का भुजिया बना है दोस्तों, फिलहाल खा लेते हैं दोस्तों। अब मम्मी पापा चले गए हैं दोस्तों, मेहमानी नानी घर चले गए हैं, वहाँ मुंडा ने इसीलिए, तो घर में अब कोई नहीं है दोस्तों। खाना खा चुका हूँ दोस्तों, और आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, प्लीज कमेंट में बताएं कि कैसा लगा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।